इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमा के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं वरं बं बं हं सं तं बं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रं द्रं दीं दीं द्रवे द्रवे नमो वरेति भगवते श्रीमते ओं ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नमो हम झम झिभीम छिभीम हम सम झम बम हया सा छा छीं छूं छे छे छौ झम छा छिभीं ह्रां ह्रीं रुम रुभ्रा द्रं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठाटास्माकं संस्तुभजीवनं श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कैर्सिद्धार्थं सर्वैः नारायणार्थं श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञपरमेष्टपित्राय नमो नमः श्री शांतिवट्टारक पादपद्मसाद सदर्म श्री वलैरवि विधिरस्तु सोधर्म सुशिष चतुर्विंशतिरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगलां धिया यमुच्यसिद्धिमुद्वन्तु सधर्मकैस्तु यमुच्यसिद्धिमिच्छन्तु नः ओम नमृते भगवते श्रीमते श्रीमत्साधिनाजी गुंथनाजी एरनाजी तीर्थंगराये श्रीमदरत्नातरे रूपाये दिव्यतेजोमोदे प्रभामंडल मंडिताये द्वादशगण सहिताये अनंतचतुष्टय सहिताये समोषणिके बलगान लक्ष्मी स्वभिताये अष्टादश दोष रहिताये शचोत्तराणि गुण सेवकताये परमेष्टि पवित्राये सम्यग्ज्ञानाये स्वभवे सिद्धाये बुद्ध्याये परमात्मने परम सुखाये त्रिलोकमहिताये अनंत संसारचक परमर्दनाये अनंत ज्ञान दर्शन बीज कुंस्पदाई तुलोक बसन गनाए सत्य ज्ञानाई सत्य मेमड़ी वृत्ता फड़ा मंडन मंडिताए ऋषि आरिका सरभक साबिका प्रमुख चतुर्विध संगुप सर्ग विनाशनाई घाती कर्म छेन कराए अजराए अव्वाई अस्माकम यहाँ पर जिन्होंने प्रथम शांति धरा करने का सौभाग्य लिया है वही श्रावश्री परिवार से विजय जी अंगूरी जी नीलेश जी नमिता जी आर्या जी सुधीर जी कुंती जी सिहोरा वाला परिवार सापरिवरस मंगल भवतु नाथुराम जी देवेन जी बहिरिया वाला परिवार सागर सापरिवरस मंगल भवतु उत्तम चंद जी शशि भाई जी दीपक जी रोशनी जी देव जी बेद जी सागर वाला परिवार सापरिवरस मंगल भवतु सतीश जी एस के होजरी परिवार सागर सापरिवरस मंगल भवतु लक्ष्मी चंद जी ऋषभ जी गड़ाकोटा वाला परिवार सापरिवरस मंगल भवतु संजय जी देवाकर सापरिवरस मंगल भवतु पवन जी ऋषभ जी बांदरी समस्त परिवारस मंगल भवतु अरविंद जी शोभा जी आदित्य जी इटोरिया परिवार दमोई सापरिवरस मंगल भवतु पदम जी कल्पना जी अंगूरी जी इटोरिया दमोई सापरिवरस मंगल भवतु ग्रीस जी तरुण जी डॉक्टर आशी जी श्रेया जी सुति जी तनिष्का जी इटोरिया परिवार दमोई सापरिवरस मंगल भवतु प्रभा देवी जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवरस मंगल भवतु प्रभा देवी जी भिलाई वाला परिवार सापरिवर समंगल भवतु समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेव का नम सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ा विनाशतम भवतु ओम नवरते भगवते भिषिणा से दोष क्रम साई दिव्य तेजो मोदे नमः श्री शांतिनाथ शांति कराये सर्विघ्न विनाशनाय सर्वक मृदु विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्विष्ट शांति कराये ओम ह्राम ह्रीम रूप राशियो सनम मम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुक्लत्वा सुलभम नीरम वीरम शरीरम निरूपम पनित्वा तनुज कीर्तिम श्रृतिम वृद्धिम समृद्धिम पिदतु तनिष्पुचि पिदापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगत्वा मुक्त्वा शांति धारा सम्भुजिखानम प्रतिपालिखानम यतीन्द्रसामनितपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवन् जिनेन्द्र। शांति धारा करने के लिए आए थे आपका शांति धारा के बाद विधान का भी मन हो गया और आज विधान भी कर रहे हैं श्रावक सृष्टि परिवार विजय जी नीलेश जी सुधी जी सिहोरा वाला परिवार से समस्त परिवार ओम ह्रीम श्रीम भ्रीम जी गुरुम रक्षरक सर्वरोग निवारक सर्वसिद्धिदायक साधना जिनेन्द्राय नमः नंद्यावती स्थापनम करोमि मुद्रा स्थापनम करोमि वसुदेव समारी तुम डिग धारी
आरधिकारी दिख प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री शांति जिनी समिनुति चक्रेशम बिस चक्रेशम चक्रेशम हरि हरि चक्रेशम हे गुण रेशम दयामिते समक्रेशम ओम रीम श्री देवाधिदेव श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय कुंतनाथ नेमिना चंदाप्रु जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है जिनका देवों ने अभिषेक किया था ऐसे पांचों भगवानों के चरणों में नमोस्तु करते हुए अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम दर्भपामिति स्वाहा की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं रहस्य त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समोहे को हरते हैं ओम रूम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामंत्राय ओम ह्रां रे अपक्षवण मुनि पंगो सुधा सागर महामंत्राय समस्त इन गम नो कुटुंब राज भोरगम नर्मपामिति स्वाहा। सतीश जी एसके होजरी परिवार सागर के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं से चांदी का आनंद है वह तो मुद्रा प्रदान की जा रही है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार का पूरा जीवन मंगलमय हो यही शांतिनाथ भवन के चरणों में भावना बाते हैं। प्रथम शांति धाराकर्ता परिवार श्रीमान विजय जी अंगूरी जी नीलेश जी नमिता जी आर्या जी सुधीर जी कुंती जी सिहोरा वाला परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित आपके लिए गंदोतक प्रदान किया जा रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार का जीवन मंगलमय हो शांतिनाथ भवन के चरणों में भावना बाते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सभी पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के शिविर में होकर आए हैं जो 10 दिन चतुर्थकालीन चर्या को जीते हैं ना उनके पास मोबाइल होता है ना फोन होता है ना घर परिवार को भी छोड़कर जाते हैं ऐसे शिविरार्थियों का विद्या सुधा सर्वार्थी संघ यह क्षेत्र सागर जिले में आता है जिले के सर्वार्थियों की भावना थी कि इस क्षेत्र पर हम आकर विधान और सम्मेलन करना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं को देखते हुए 15 अक्टूबर दिन रविवार को यहां पर 7:30 बजे से संगीतमय विधान होगा शांति धारा होगी शिविरार्थियों की तरफ से साथ में यहां पर 12:30 बजे से शिविरार्थियों का सम्मान समारोह है और उसके पहले 11 बजे से सभी शिविरार्थियों का बादशालमयी भोज है जयोदय सरवारा में सभी शिविरार्थी आमंत्रित हैं सभी आए और विद्या सुधा शिविरार्थी संघ ने जो कि एक सुधा सागर सेना है सभी लोगों ने विद्या सुधा शिविरार्थी संघ ने जयोदय सरवारा में बहुत अच्छा भाव बनाया है विधान करने का सम्मेलन करने का और सभी शिविरार्थियों का उस दिन सम्मान समारोह भी होगा और क्षमावाणी पर भी शिविरार्थियों के लिए है 15 अक्टूबर को सभी शिविरार्थी आमंत्रित हैं सुबह 7:30 बजे से यहां पर प्रोग्राम चालू हो जाएगा और 12:30 बजे से सम्मान समारोह होगा 11 बजे से बादशालमयी भोज शिविरार्थियों के लिए है। यह क्षेत्र सागर जिले के बिल्कुल पास है इसलिए सभी शिविरार्थियों ने भावना भाई इस क्षेत्र पर हम सम्मान समारोह क्षमावाणी पर और सम्मेलन करना चाहते सभी की बहुत अच्छी भावना है और हमारा तो एक और भावना है जो जो भी शिविरार्थी भारत देश हिंदुस्तान से कहीं भी हो किसी ना किसी क्षेत्र पर सब लोग सम्मेलन क्षमावाणी पर्व आदि करें भगवान की भक्ति करें विधान करें बहुत अच्छा रहेगा। सागर जिले के शिविरार्थियों ने ईश्वरवारा जयोदय तीर्थ क्षेत्र पर भाव बनाया है आप लोग भी भाव बना सकते हैं जिस जिले के जो शिविरार्थी हों और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी अगर यहां आना चाहते हैं तो वो भी यहां पर आमंत्रित हैं। यह क्षेत्र बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है सब लोग शांतिनाथ भवन की भक्ति करने का सौभाग्य ले सकते हैं सभी लोग आए सभी लोग आमंत्रित हैं 15 अक्टूबर रविवार को बहुत बहुत सभी के लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।